Hey guys, welcome you all to my YouTube channel, God Blessings. So today we are going to do class 9 maths chapter 2 polynomials exercise 2.4 question number 1. We have finally started the exercise 2.4 and completed all the examples and exercises till here. And now we will start with its question number 1. That says, determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. हमें ये बताना है कि इसके कुछ पार्ट्स दिए हैं कि इन पार्ट्स में से किस किस का जो फैक्टर है वो क्या है x प्लस 1. जैसे कि इसका पहला पार्ट है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब कैसे डिटरमाइन करते हैं कि अब इसका फैक्टर है या नहीं? बहुत सिंपल है. जैसे आप तो सोचोगे ना, इतना सिंपल है. हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है ना टर्म, जिसे चेक करने के फैक्टर है या नहीं, सबसे पहले इसका जीरो फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं? इसका जीरो. और जीरो कैसे फाइंड करते हैं, चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ. दैट जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ऐसे फाइंड करते हैं कि इस नंबर को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और फिर एक्स की कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे. लाइक ये प्लस वन उधर माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन. तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन. खाली x की वैल्यू निकाल ली ना. अब इस माइनस वन को इस सिचुएशन, इस टर्म में पुट करेंगे जिसको चेक करना है कि इसका ये फैक्टर है या नहीं. लाइक ये हो जाएगा माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन प्लस वन. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको सॉल्व. देखो माइनस वन का क्यूब क्या होगा, वन का तो क्यूब वन ही रहेगा, लेकिन माइनस प्लस तीन बार हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस. तो ये हो जाएगा माइनस वन फिर प्लस माइनस. देखो पहले इसको सॉल्व करो. माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा? माइनस वन का स्क्वायर, देखो वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो जाएगा. तो ये हो गया प्लस वन. अब इधर देखो, एक बाहर ब्रैकेट में अंदर बाहर प्लस है, ब्रैकेट में माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस वन प्लस वन. लेट्स सॉल्व इट आउट. माइनस प्लस माइनस हो जाता है, साइन आता है बड़े का, चलो इसको माइनस करेंगे. जीरो हो गया. कौन सा साइन लगाए? नथिंग. जीरो माइनस वन प्लस वन. जीरो माइनस वन कितना हो जाएगा? जीरो में से वन माइनस करेंगे तो माइनस वन ही रह जाएगा. प्लस वन माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और साइन किसका आता है? बड़े नंबर का. ये तो माइनस होके जीरो आंसर आ गया. तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया इसमें? जीरो. जब हमने इसको पुट करा माइनस वन को, वैल्यू आ गई जीरो. तो दैट मीन्स इट इज प्रूव दैट एक्स प्लस वन इज फैक्टर, एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. अगर आंसर जीरो आ गया तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई. अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, या फिर अब हम देख सकते हैं इसका थर्ड पार्ट. जो अब सेकेंड पार्ट है, दैट सेज सेकेंड पार्ट इज x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन. ये आप खुद करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना, मैं इसको आपको सॉल्व करके भी शो कर दूंगी. बट पहले आप इसको खुद सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ. अब हम करते हैं सी पार्ट. सी पार्ट सेज x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1. फाइनल. ओके, नाउ व्हाट विल वी डू इन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चल गया, देखो x प्लस 1 का 0 क्या है, फैक्टर तो वही रहेगा ना, 0 माइनस 1 है. बस फटाफट कर दो इसका पुट. माइनस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 स्क्वेयर प्लस x प्लस माइनस 1 प्लस 1. ओके, माइनस वन का रेज टू पावर 4, माइनस वन को 4 टाइम्स करोगे तो हो जाएगा प्लस वन. प्लस थ्री माइनस वन का क्यूब माइनस वन होएगा, माइनस वन की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो माइनस 3. तो मतलब ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा माइनस 3. माइनस वन का स्क्वायर 1 की टाइम मल्टीप्लाई 3 से 3. फिर प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1. 1 माइनस 3 माइनस 2. प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1. माइनस टू प्लस थ्री मतलब माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं, साइन आता है बड़े का. तो ये हो जाएगा वन. माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो, प्लस वन वन. मतलब आंसर क्या नहीं आया हमारा? आंसर जीरो नहीं आया. दैट मीन्स क्या? एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ x raised to power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1.
Why? Since answer is not zero. अगर आपसे reason पूछा जाए, इसलिए हमारा ये factor नहीं है, that is proved. अब इसका last part है, that is the part number D, that says x cube minus x square minus 2 plus root 2 root 2x plus root 2. Okay, let's solve it out. Okay, इसमें करना क्या है, देखो अब आप हमें फिर से वही सिचुएशन रहेगी हमारी. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जीरो फाइंड करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हमें पता है माइनस वन आएगा, तो फटाफट पुट कर दो वैल्यू. एग्जाम में आपको बार बार शो करना होगा, बट यहाँ हमें पता है इसलिए हम बार बार नहीं कर रहे. हमने हर जगह वैल्यू पुट कर दी है, अब चलो इसे सॉल्व करते हैं. माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन. अच्छा, अंदर प्लस वन होगा तो बाहर माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. माइनस टू प्लस रूट टू मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस रूट टू. फाइनल अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. देखो अब क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करते हैं. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस टू साइन आ जाएगा माइनस का. फिर माइनस टू पूरा वैसे का वैसे लिख दो, क्योंकि एक स्टेप में हम एक ही स्टेप करते हैं. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका आएगा, बड़े का. वैसे तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, साइन माइनस का आता है, बड़े का नहीं आता, सॉरी फॉर दैट. माइनस माइनस हो गया प्लस, फोर हो गया, साइन आ गया माइनस का, राइट. अब प्लस रूट टू मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस रूट टू. फाइन, माइनस फोर की प्लस रूट टू करेंगे, माइनस फोर प्लस रूट टू. अब सबसे पहले इसको ना एक कर देते हैं, प्लस रूट टू और माइनस वन को इसे एक कर देंगे तो हो जाएगा माइनस रूट टू. माइनस फोर माइनस रूट टू प्लस रूट टू. रूट टू और रूट टू को ऐड करेंगे देन इट विल बी. अब हमारे पास क्या बचा, रूट टू और माइनस फोर. अब एक ही माइनस रूट टू प्लस रूट टू, माइनस प्लस आपस में कट हो जाते हैं, आपको ये बात पता है ना. दोनों नंबर अगर सेम हो और माइनस प्लस के साइन हो तो ये हो गया कट, तो आंसर आ गया माइनस फोर. ओ दिस इज नॉट जीरो, दैट डजेंट इज इक्वल्स टू जीरो, राइट. सो दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आ रही है, दैट इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ, सिंस इट is not the factor of x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2, and that's our final answer. I hope you all have understood this question very easily and very very fast. It was too easy to do. कुछ भी नहीं करना था, है ना, बहुत आसान था ना. आसान था तो फटाफट बहुत सारी लाइक्स करो, और अगर आसान है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. कोई भी कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट करो. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड रिमेंबर दैट यू हैव टू डू इट सेकेंड पार्ट योर सेल्फ, दैट इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. डू इट द very fast the answer in the comment section. Do the answer very fast in the comment section.